हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू और सोयाबीन की सूखी सब्जी की रेसिपी। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और इसको हम बनाएंगे बिना टमाटर और प्याज के। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे भी इस रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या फिर पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सोयाबीन ऑयल यूज़ किया है, आप अपनी चॉइस से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच जीरा। जीरा यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि इसमें हम लहसुन प्याज या फिर टमाटर नहीं डाल रहे हैं, तो जीरा थोड़ा ज़्यादा डालें जिससे टेस्ट अच्छा आए। उसके बाद हम इसमें यहाँ पर दो पिंच हींग डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। आप अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर दरदरा कूट लिया है जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ से 4 से 5 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची डाल दी है। ये कम तीखी वाली मिर्ची हैं, आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं, ये पूरा आपके टेस्ट के ऊपर है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूंगी उबली हुई सोयाबीन जिनको मैंने उबाल लिया था और इनका पानी अच्छे से निकाल दिया है। इनको डाल लेंगे और इसके साथ ही मैंने उबले हुए कटे हुए आलू डाले हैं। आलू को मैंने 80% बॉयल किया हुआ है, बाकी जो 20% है उसको हम इस तरह से यहाँ पर भूनते हुए पका लेंगे जिससे कि आलू क्रिस्पी और क्रंची भी हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्ची, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसके साथ ही 1/2 चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ही हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे जब तक कि हमारी सोयाबीन और आलू अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। और बस अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया और बस सर्व करेंगे। देखा कितना आसानी से और कितना जल्दी हमने बना लिया है सब्जी, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी। आप इसको रोटी, पराठा या फिर पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।